हेलो दोस्तों, वेलकम टू निफ्टेक्स। सो आज हम लोग एक शेयर के बारे में चर्चा करेंगे। उसका नाम है राम इंफॉर्मेशन शेयर। ओके, सो व्हाट इज दिस कंपनी डज। सो एक्चुअली आप लोग को मैंने जैसे सिखाया कि कंपनी का बारे में, कोई भी कंपनी का शेयर खरीदना के पहले देखो कंपनी क्या करता है। तो हम लोग क्या क्या खोलेंगे एज रेगुलर का जैसा, इसका स्क्रीनर का पहले तो खोल लेंगे, कंपनी को खोल लेंगे, देख लेंगे। देखो दोस्तों, आप लोग को ये शेयर कैसे पिक करना है मैं सिखा रहा हूँ, फ्री में सिखा रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं सिखाएगा। ठीक है, तो एक ही चीज आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को ग्रो होने में थोड़ा हेल्प करो। ठीक है, तो इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। आप लोग को लिए इतना नया नया वीडियो बना के लाता हूँ मैं। ठीक है, तो यू अंडरस्टैंड आई थिंक व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द रिसोर्सेस आई कम अप विद। ठीक है, तो राम इंफॉर्मेशन के बारे में हम लोग चर्चा करने का पहले, प्लीज अगर कोई भी नए हो मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। ओके, तो हम लोग क्विकली स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। कंपनी करता क्या है, आप लोग को जैसे मैंने सिखाया हो कैसे कि कंपनी क्या करता है, वो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो। ठीक है, कि कंपनी क्या करता है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। अगर वो चीज आप अगर नहीं देखोगे इंडस्ट्रीज में कहाँ कहाँ काम करता है, उसका कुछ वैल्यू नहीं रहा। क्या काम करता है, गवर्नमेंट को, ई गवर्नमेंट में स्मार्ट लाइट, स्मार्ट सिटी सॉल्यूशंस में हेल्प कर रहा है, एज वेल एज कंपनी किस में काम कर रहा है, स्मार्ट बैंकर फिनटेक में काम कर रहा है, दैट इज वेरी गुड प्लेटफॉर्म। हेल्थ केयर में काम कर रहा है, दैट्स अ गुड प्लेटफॉर्म। ओके, एनर्जी में काम कर रहा है, IoT में काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज में काम कर रहे हैं, तो दिस इज गुड गुड आई विल से गुड शॉर्ट ऑफ एरिया इट इज वर्किंग। ओके, फ्यूचरिस्टिक एरिया है। ठीक है, और आपको लॉन्ग टर्म में इसका वैल्यू भी मिलेगा। देखो कंपनी का क्या क्या, कौन कौन है इसका इसका साथ, मतलब किस किस का टाई अप है। ठीक है, हमारा गवर्नमेंट का भी बहुत सारा टाई अप है, एज वेल एज अब देखोगे कि तेलंगाना गवर्नमेंट बेंगलोर में भी है, कर्नाटक गवर्नमेंट का भी है। ठीक है, तो सेंट्रल सिल्क बोर्ड का भी टाई अप है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये एपटेक आंध्र प्रदेश से भी कनेक्टेड है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से भी कनेक्टेड है, बहुत सारे कंपनीज है ये कनेक्टेड है। ठीक है, तो बहुत सारे गवर्नमेंट से ये कनेक्टेड है लार्ज एंटरप्राइज में। ठीक है, अगर लार्ज एंटरप्राइज में अगर देखेंगे, लार्ज एंटरप्राइज में भी हम देखेंगे तो काफी अच्छा अच्छा एंटरप्राइज, NTPC, टाटा, एज वेल एज बहुत सारा से भी, जियो, दिस इज गुड थिंग ना। इतना बड़े बड़े कंपनी से जो भी कनेक्टेड रहेगा, कंपनी का फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि कंपनी कल जाके 1000 रुपया पहुंच जाएगा, लेकिन ये कंपनी को आप देखो कहाँ, आप देखते हैं शेयर प्राइस इसका। ठीक है, अगर शेयर प्राइस देखोगे आज आपको 30 रुपया में मिल रहा है, इसका शेयर प्राइस कहाँ से गिर गिर के 30 रुपया में आया, अब ये चीज ऑब्जर्व करो, कहाँ से गिर गिर के आया, ये 2500 रुपया से गिर गिर के आया। लेकिन लॉजिक क्या है, क्यों गिरा है भाई, क्यों गिरा, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई इट इज हैज रिड्यूस्ड। राइट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड क्यों इसने गिरा है 25 रुपये से इतना तक गिरा। हाँ, तो इसका सेल्स भी ऐसा कुछ घटा नहीं है। ठीक है, इसका कंपनी का मार्केट में शेयर कितना अवेलेबल है आप लोग को मैं जैसे दिखाता हूँ, 10 रुपये का फेस वैल्यू है और टोटल 0.61, मतलब 6.1 लाख शेयर ही अवेलेबल है। शेयर कैपिटल 67 लाख का शेयर अवेलेबल है। सो यू कैन अंडरस्टैंड डिमांड एंड सप्लाई का कितना ही है। पहले इसका ज्यादा शेयर कैपिटल था, मीन्स शेयर अवेलेबल ज्यादा था। हाँ, तो अभी शेयर का अवेलेबिलिटी इसका कम हो गया, तो इसका फ्यूचर आपको दिख रहा है कि थोड़ा सा भी आप खरीद लोगे तो फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में ह्यूज मुनाफा होगा आपको। ठीक है, तो कंपनी अच्छा है, शेयर होल्डिंग भी देखो क्या आपका, शेयर होल्डिंग भी ठीक ठाक ही है, 37%। तो आप देखोगे कि प्रमोटर ने धीरे 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 बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि कम हो रहा है, तो टर्नओवर भी अच्छा है। ठीक है, ROC ROE भी देखोगे तो भी ठीक ठाक है, ओवरऑल कंपनी तो मुझे अच्छा लग रहा है भाई। सेल्स भी अच्छा है, 20 करोड़ का सेल्स हुआ है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो क्यों ना कूदे, और IT का कंपनी है जहाँ पे फ्यूचर ब्राइट है। राइट, 20 का PE है जहाँ पे आपका सेक्टोरियल PE बहुत हाई है।
ठीक है, इसका अगर सेक्टोरियल पीई है आपको देखोगे तो 30-40 के नीचे तो कोई भी पीई नहीं है। और मार्केट कैप कितना का है? मार्केट कैप बहुत ही 23 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ह्यूज अपॉर्चुनिटी है फ्यूचर में, लॉन्ग टर्म में ह्यूज अपॉर्चुनिटी है ये कंपनी के लिए। देख लो, आपका मर्जी, लेना है तो लो, नहीं तो जाने दो। बट आई हैव ऑलरेडी टेकन दिस शेयर। मुझे लगता है ये एक मल्टीबैगर शेयर बनेगा लॉन्ग टर्म में। अभी बाकी आपका मर्जी, आप देख लो। एंजॉय द डे, हैव अ ग्रेट वीकेंड। बाय बाय।